अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल्स। आपकी बुक के अंदर दो क्रूसिबल दिए हुए हैं, एक है हमारे पास गुच क्रूसिबल और दूसरा है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुच क्रूसिबल को। ये जो गुच वर्ड है ये एक साइंटिस्ट था फ्रैंक ऑस्टन गुच, जिसने इस क्रूसिबल को इन्वेंट किया था, तो उसके नाम से ही इस क्रूसिबल का नाम क्या पड़ गया, गुच क्रूसिबल। बहरहाल ये बात आपकी बुक के अंदर नहीं लिखी हुई और आपको भी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं, वो ये कहता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ पोर्सिलेन। ये पोर्सिलेन का बना होता है। स्टूडेंट्स आपके जो किचन में ज़्यादातर बर्तन होते हैं, वो जिनको हम चीनी के बर्तन कहते हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास एक सिरेमिक मटेरियल होता है। तो ये जो गुच क्रूसिबल है ये भी कुछ उसी तरह के सिरेमिक मटेरियल जिसको पोर्सिलेन बोलते हैं, ये उसका बना होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है इसकी वो ये है कि इसका परफोरेटेड बॉटम होता है, सुराखदार बॉटम होता है, विच इज़ कवर्ड विद पेपर पल्प या फिल्टर पेपर। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक गुच क्रूसिबल बनाया हुआ है, इसका बॉटम देख सकते हैं जो कि परफोरेटेड है, और इस बॉटम के साइज़ का फिल्टर पेपर कट करके हम यहाँ पे लगाते हैं जो कि फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। जब फिल्टर पेपर हम लगा देते हैं तो इसको पकड़ के हम एक फ्लास्क के साथ लगाते हैं और फ्लास्क के अंदर हम फिट कर देते हैं, जिसके बाद हम फिल्ट्रेशन करते हैं। लेकिन अगर आपने क्विक फिल्ट्रेशन करनी है तो बुक के अंदर लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट टू डू क्विक फिल्ट्रेशन देन यू हैव टू प्लेस सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस। आपको इस फ्लास्क के साथ सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस भी लगाना पड़ेगा। इसके बारे में हम प्रीवियस टॉपिक्स में बात कर चुके हैं कि सक्शन फिल्टरिंग अपरेशन जो है वो इसकी वजह से हमारी जो फिल्ट्रेशन है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में वो ये है कि ये किन प्रेसिपिटेट्स को सेपरेट करता है, किन प्रेसिपिटेट्स की फिल्ट्रेशन करता है। तो बुक के अंदर लिखा हुआ है, इट इज़ यूज फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट विच नीड टू बी इग्निटेड एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो गुच क्रूसिबल है, इट कैन नॉट बी यूज फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड KMnO4 सोल्यूशन। ये इन दोनों की जो फिल्ट्रेशन है उनके लिए यूज़ नहीं हो सकता। अब इसकी क्या वजह है? पहली वजह तो ये है कि ये जो दोनों सोल्यूशंस हैं हमारे पास, दे रिएक्ट विद फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। दूसरा, दे डैमेज इट्स स्ट्रक्चर, वो इसके स्ट्रक्चर को डैमेज कर देते हैं। और तीसरा, इसके जो पोर्स हैं, यानी ये जो फिल्टर पेपर के पोर्स हैं जिनकी मदद से प्रेसिपिटेट सेपरेट होते हैं, ये उन पोर्स को क्या कर देते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं, उनको इकट्ठा कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो सॉल्यूशंस हैं ये हमारे पास गुच क्रूसिबल उसकी मदद से सेपरेट नहीं किए जा सकते। चूँकि आपको पता है ना, गुच क्रूसिबल के अंदर हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, तो फिल्टर पेपर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से हम गुच क्रूसिबल की मदद से इन सॉल्यूशंस को फिल्टर नहीं कर सकते। लेकिन आगे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, वो ये है कि इफ़ बॉटम इज़ कवर्ड विद एस्बेस्टोस, अगर गुच क्रूसिबल का बॉटम फिल्टर पेपर की बजाय एस्बेस्टोस से हम कवर कर दें, तो वो जो गुच क्रूसिबल है वो इन सॉल्यूशंस की फिल्ट्रेशन भी कर सकता है। स्टूडेंट्स अब सवाल ये है कि ये एस्बेस्टोस क्या चीज़ है। आप अपनी सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर इसका फार्मूला पढ़ेंगे, इसकी डिटेल पढ़ेंगे, और ये किस तरह से बनाते हैं, किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। रफली आपको ये बताता चलूं कि ये एक फाइबरस मटेरियल है, फाइबर की तरह का मटेरियल है जो कि मिनरल से बना होता है। अब ये क्या होता है, ये फायर प्रूफ है। आपके जो फायर प्रूफ क्लॉथ होते हैं, फायर ब्रिगेड के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि आग से बचाते हैं, जो कपड़े ऐसे होते हैं, ये उनको बनाने के लिए यूज़ होता है। तो अगर आप अपने फिल्टर गुच क्रूसिबल को फिल्टर पेपर की बजाय एस्बेस्टोस पेस्ट के साथ रिप्लेस कर दें, यानी अगर आप पेपर की बजाय यहाँ पर एस्बेस्टोस पेस्ट रिप्लेस कर दें, तो ये जो गुच क्रूसिबल है वो इन सॉल्यूशंस की सेपरेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये था हमारा गुच क्रूसिबल। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। स्टूडेंट्स ये क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, ये ग्लास का बना होता है, और इसका जो ग्लास है, सॉरी, इसकी जो बॉटम है वहाँ पर हमारे पास एक पोरस डिस्क होती है। ये देखें, ये मैंने सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल बनाया हुआ है, ये इसका बॉटम है, और यहाँ बॉटम पर एक पोरस सुराखदार डिस्क बनी होती है, और वो भी ग्लास की ही बनी होती है, जिसको हमने इस बॉटम के साथ सील किया होता है, सील्ड इन इट्स बॉटम, बॉटम के साथ चिपकाया होता है। और ये हमारे पास जो क्रूसिबल है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है गुच क्रूसिबल की नस्बत। इसकी वजह ये है
कि इस क्रूसिबल की मदद से हम उन तमाम सॉल्यूशंस की सेपरेशन कर सकते हैं, उनकी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि कुछ क्रूसिबल नहीं कर सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्रूसिबल के अंदर हमें कहीं भी फिल्टर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वजह यह है कि ये जो डिस्क है ना आपके पास, ये जो ग्लास की डिस्क, पोरस डिस्क है, ये माइक्रो पोर्स होते हैं, यही फिल्टर पेपर का काम करते हैं। कोई फिल्टर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और यही वजह है कि ये जो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है ना, ये हमारे पास मोर कन्वीनियंट है किसकी निस्बत, गुच क्रूसिबल की निस्बत। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो यही है कि वाई सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इज मोर कन्वीनियंट, ये ज्यादा बेहतर क्यों है गुच क्रूसिबल की निस्बत। तो इसका आंसर पहली बात तो ये है कि नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, हमें कोई भी जो है वो प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती इसको लगाने के लिए। क्यों प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती? बिकॉज नो फिल्टर पेपर इज रिक्वायर्ड, हमें कोई भी जो है वो फिल्टर पेपर रिक्वायर्ड नहीं होता। इसकी जो माइक्रो पोरस ग्लास डिस्क है, क्या माइक्रो पोरस जो ग्लास डिस्क है वो किसके तौर पे एक्ट करती है? दैट एक्ट्स एज ए फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर के तौर पे क्या करती है, एक्ट करती है। और फाइनली जो इम्पोर्टेंट बात है, चूँकि इसके अंदर कोई भी फिल्टर पेपर नहीं लगा होता, तो इम्पोर्टेंट बात ये है, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो ये है कि इट कैन बी यूज़, ये यूज़ किया जा सकता है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ, किन की फिल्ट्रेशन के लिए, फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड KMnO4 सॉल्यूशन, जो कि गुच क्रूसिबल नहीं कर सकता था। इसका मतलब ये है कि जो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है ये हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है गुच क्रूसिबल की निस्बत। तो चलिए जल्दी से अपने लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि गुच क्रूसिबल क्या चीज़ है, ये पोर्सिलेन का बना होता है जो कि एक सिरेमिक मटेरियल है। इसका परफोरेटेड बॉटम होता है जिसको हमने पेपर पल्प या फिल्टर पेपर के साथ कवर किया होता है। क्विक फिल्ट्रेशन करने के लिए हम सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस भी लगा देते हैं। ये किन प्रेसिपिटेट्स के लिए यूज़ होता है? विच नीड टू बी इग्निटेड एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा वो ये है कि ये KMnO4 सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड HCl की जो है वो फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दे रिएक्ट विद फिल्टर पेपर, उसके स्ट्रक्चर को डैमेज कर देते हैं, उसके पोर्स को कंटेमिनेट कर देते हैं। लेकिन अगर आप करना ही चाहते हैं तो फिल्टर पेपर की बजाय आप किस चीज़ से रिप्लेस कर दें? एस्बेस्टोस से। अगर आप एस्बेस्टोस लगा देते हैं तो ये जो गुच क्रूसिबल है ये इन सॉल्यूशंस की फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल क्या है? ये ग्लास का बना होता है, शीशे का बना होता है। पोरस ग्लास की डिस्क होती है, सील्ड इन इट्स बॉटम, जो कि बॉटम में हमने फिक्स की होती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्यों ये बेहतर है गुच क्रूसिबल से? क्योंकि नो प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड, कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। नो फिल्टर पेपर इज़ रिक्वायर्ड, और माइक्रो पोरस ग्लास डिस्क एक्ट्स एज ए फिल्टर पेपर, जिसकी वजह से चूंकि फिल्टर पेपर नहीं होता तो इट कैन बी यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड KMnO4 सॉल्यूशंस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।